जेएनयू कैंपस में रविवार को हिंसा के आरोप में छात्रसंघ अध्यक्ष आयशी घोष समेत 19 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। वहीं हिंसा के 3 दिन बीत जाने के बाद भी दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। रविवार को कुछ नकाबपोशों ने कैंपस में घुसकर छात्रों और शिक्षकों के साथ मारपीट की थी और हॉस्टल में तोड़फोड़ भी की थी। रिपोर्ट के जरिए खबर दिखा रहे हैं। जेएनयू हिंसा मामले में आयशी घोष पर केस दर्ज। आयशी घोष समेत 19 लोगों पर केस दर्ज। जेएनयू की छात्र संघ अध्यक्षा है आयशी घोष। सर्वर रूम में तोड़फोड़ और गार्ड से मारपीट का है आरोप। जेएनयू प्रशासन की शिकायत के बाद छात्रों पर केस दर्ज। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बवाल पर पुलिस अब एक्टिव हो चुकी है। छात्रों पर नकाबपोश हमलावरों को पुलिस खोजने में लगी हुई है। जेएनयू प्रशासन की शिकायत के बाद पुलिस ने जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष पर एफआईआर दर्ज कर ली है। 5 तारीख के इंसिडेंट से रिलेटेड एक ही एफआईआर दर्ज हुई है पुलिस स्टेशन बसंत कुंज नॉर्थ में। 4 जनवरी को जेएनयू के सर्वर रूम में तोड़फोड़ और सुरक्षा गार्डों पर हमला करने के आरोप में घोष और 19 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर के आरोपी कॉलम में अन्य छात्रों का नाम शामिल नहीं किया गया है, लेकिन डिटेल में उनका नाम दर्ज किया गया है। जेएनयू में हुई हिंसा की दिल्ली पुलिस अब जाँच कर रही है। पुलिस की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि नकाब पहनकर जिन लोगों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में हिंसा की उसमें एबीवीपी और लेफ्ट के कार्यकर्ता ही शामिल थे। इन्हीं नकाबपोशों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में तबाही मचाई थी जिसमें 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। हालांकि एबीवीपी और लेफ्ट के कार्यकर्ता एक दूसरे पर हिंसा का आरोप लगा रहे हैं। शायद ही 50 साल में पहली बार जेएनयू के कैंपस के अंदर ये हुआ कि आरएसएस के गुंडों के भेजकर एबीवीपी के साथ जो आरएसएस अफिलिएटेड प्रोफेसर्स हमारे कैंपस के अंदर है मिलके एक ऑर्गेनाइज्ड अटैक स्टूडेंट्स के ऊपर करवाए हैं और उसका शिकार हम में से बहुत कई लोग हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन पे जाऊंगी इसी बात पे कि कल हुआ क्या था। और अगर सबको ये लग रहा था कि कल का भी इंसिडेंट एक आइसोलेशन में है तो नहीं है। पिछले वामपंथियों का षड्यंत्र है, हम उसको बार बार समाज के सामने ला रहे और इस बार भी जो घटना हुई है उसको हम कॉलेज कैंपस तक लेके जाएंगे और पूरे देश भर में इसके हम विरोध करेंगे। हमारी मांग है इस सारे विषय में वो दिल्ली पुलिस हो, वहाँ का जेएनयू का, वहाँ का सिक्योरिटी ऑफिस हो, इन सभी ने वहाँ पे तुरंत जांच होनी चाहिए और उसका सच सामने आना चाहिए। लेकिन हमने ये भी सोचना पड़ेगा जब जामिया में पुलिस जब जाती है तो यही लोग सामने आते हैं बोलते कि पुलिस क्यों अंदर गई है, और आज जब पुलिस अंदर नहीं है तो यही लोग पूछते हैं कि पुलिस आज क्यों नहीं आई है। तो ये एक प्रोपेगेंडा है और उसको एक अच्छी तरह सेट करने का प्रयास वामपंथी द्वारा किया जा रहा है। वहीं मंगलवार को हिंदू रक्षा दल ने एक वीडियो जारी कर हिंसा की जिम्मेदारी ली है। देश हित की ही बात करनी पड़ेगी, देश विरोधी गतिविधियां हम अपने देश में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भारत देश में रह रहे हैं, अपने भारत की बात करनी चाहिए, अपने देश की बात करनी चाहिए। सर आपके कुछ कार्यकर्ता भी वहां पर थे नकाबपोश में? बिल्कुल, हमारे कार्यकर्ता भाई जो हिंदुत्ववादी गतिविधियां जो भी करेगा वो हमारा कार्यकर्ता, मैं पूरी पूर्णतः जिम्मेदारी लेता हूँ हमारे कार्यकर्ता। एबीवीपी और लेफ्ट के आरोप प्रत्यारोप के बीच हिंदू रक्षा दल के वीडियो का सामने आना पुलिस और जेएनयू प्रशासन की चिंता बढ़ा सकता है। हालांकि पुलिस व्हाट्सएप चैट के आधार पर लोगों की तलाश कर रही है जो चैट में शामिल थे। व्हाट्सएप चैट के जरिए ही लोगों को कैंपस में इकट्ठा किया गया था जिसके बाद जेएनयू कैंपस में भीड़ इकट्ठा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट R9 TV।